नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साल 2021 रविचंद्रन अश्विन के लिहाज से बेहद ही शानदार रहा है। एक तो उनकी टीम इंडिया के टेस्ट टीम में वापसी हुई, इसके अलावा वो विश्व कप की T20 टीम में भी शामिल किए गए। हालांकि विश्व कप में उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मौका नहीं मिला था, जहां पर भारत को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने जितने भी मुकाबले वापसी के बाद अभी तक खेले हैं, उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 2021 में भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन रहे। इसके साथ ही उन्होंने हरभजन सिंह के 417 विकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। अब खबरें हैं कि रविचंद्रन अश्विन की 4 साल के बाद वनडे टीम में भी वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि अगले 48 घंटे में टीम इंडिया का चयन साउथ अफ्रीका दौरे के लिए होना है, जहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी में रविचंद्रन अश्विन की वापसी तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने विश्व कप के 4 मुकाबलों में प्रदर्शन किया था, वो बेहद ही काबिले तारीफ था। उन्होंने दिखाया था कि एक अनुभवी स्पिनर क्या होता है, और विराट कोहली लगातार रविचंद्रन अश्विन को बाहर करते रहे थे। लेकिन अब जब रोहित शर्मा के हाथ में वनडे और T20 की कमान है, तो रविचंद्रन अश्विन की वापसी एक बार फिर से तय लग रही है। आपको बता दें कि चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति ने अब मन बना लिया है कि रविचंद्रन अश्विन को 4 साल बाद वनडे टीम में वापस बुलाया जाएगा और उन्हें मुख्य स्पिनर की भूमिका दी जाएगी। आपको बता दें कि साल 2017 में रविचंद्रन अश्विन ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला खेला था, तब से लगातार टीम इंडिया से वो बाहर चल रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट टीम में वो शामिल होते थे, तो वहां पर विराट कोहली उन्हें टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में मौका नहीं देते थे। लेकिन अब वक्त बदला है, कप्तान बदला है, तो रविचंद्रन अश्विन का भी समय बदलता नजर आ रहा है और एक बार फिर से वो टीम इंडिया के साथ जुड़ने वाले हैं, मतलब नीली जर्सी में वनडे क्रिकेट में उनकी वापसी होने वाली है। फिलहाल अगले 48 घंटे में टीम इंडिया का ऐलान साउथ अफ्रीका दौरे के लिए होगा। 19 जनवरी से भारत 3 वनडे मैचों की श्रृंखला खेलेगा, जहां पर रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान होंगे। फिलहाल देखना होगा कि आगे चयन समिति किस किस खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका दौरे पर भेजती है। वैसे आप भी बता सकते हैं कि वनडे टीम में आप किसे देखना चाहते हैं और रविचंद्रन अश्विन की वापसी सही है या गलत।